हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ट्रेंड ऑन स्टॉक्स वंस अगेन टुडे। तो देखिए, जैसे कि मैंने निफ्टी की वीडियो में आपको बताया था, एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा इसके बाद में, तो वो इंपॉर्टेंट वीडियो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। आपने जनरली देखा होगा कि मैं ऑटो सेक्टर के ऊपर वीडियोज बनाता हूं जिसमें टू व्हीलर्स के स्टॉक भी पकड़ता हूं, फोर व्हीलर्स के स्टॉक भी पकड़ता हूं, लेकिन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक बहुत ही रेयरली मैंने कवर किया है अपने चैनल के ऊपर। और इसका एक खास कारण भी है कि देखिए, मारुति जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ये बात बिल्कुल मानते हैं, जानते हैं, लेकिन वहीं अगर हम एडेप्टिव वे की बात करें कि मार्केट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो सिनेरियो चेंज हो रहा है ग्लोबली, इनफैक्ट डोमेस्टिकली, ये लोग उसको जल्दी से जल्दी अपना नहीं पा रहे। मारुति सुजुकी आज भी ज्यादातर डिपेंड करती है अपनी सेल्स को फैमिली कार के अंदर। वो लोग ज्यादा अभी भी इस चीज को नहीं प्रोमिनेंटली समझ पा रहे कि अब एक ट्रेंड चेंज हुआ है, जो फैमिली कार से वो भी काफी हद तक एक दूसरे सेगमेंट पे आ रही है, और उसमें भी सबसे बड़ा जो प्लेयर बन के निकल के आ रहा है वो है ईवी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जब आपके देश में टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जिसने ऑलरेडी अपनी ईवीज को लॉन्च कर दिया है, जब आपको पता है कि ऑलरेडी आपके पास में इतना हाई कंपटीशन है किया मोटर्स से, एनएमजी हेक्टर से, और साथ ही में और कंपनीज आ रही हैं इंडिया में जो ईवी को लेके आ रही हैं, तब आपको बहुत प्रोमिनेंटली गियर अप होना चाहिए था, बहुत तेजी से एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन मारुति सुजुकी क्या कह रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। मारुति सुजुकी लाइकली टू लॉन्च स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल बाय नेक्स्ट ईयर, ईवी बाय 2025। इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी 2025 में ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है मारुति सुजुकी की, लेकिन हाइब्रिड व्हीकल जो है ये अगले साल तक ला सकते हैं। तो देखिए, अब दुनिया बेसिकली एक तरीके से पीछे भाग रही है ईवी के। बहुत सारे लोगों ने अपनी बाइंग को रोक के रखा है कि जब कोई और स्पेशल या फिर अट्रैक्टिव मॉडल आएगा मारुति की तरफ से या किसी बड़ी कंपनी की तरफ से, जो इकोनॉमिकल भी होगा, जो मेंटेनेंस के लिहाज से भी बहुत अच्छा चीपर होगा, तब उसको बाय करेंगे। और यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि 2025 में ये लोग पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे। इसलिए हमेशा देखिए, मैं जनरली मारुति सुजुकी की वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि एक तो इसके टिकट साइज के अंदर कोई खास अट्रैक्शन नहीं है कि वो बहुत बड़े लेवल्स पर इस स्टॉक को लेके जा सके, लेकिन हाँ, ये न्यूज कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन ला सकती है। तो इस न्यूज को देखिए, आप पढ़ सकते हैं, न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं न्यूज 18 की वेबसाइट से, आप डेफिनेटली इस आर्टिकल को जाके पढ़ें। आज का ही 8 दिसंबर 2021 का शाम का ये आर्टिकल है, एंड इसके बेसिस पर क्या एक्शन हुआ है और क्या कुछ आगे हो सकता है वो मैं टेक्निकली यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा काम है टेक्निकली एनालिसिस करके टारगेट्स को फाइंड आउट करना स्टॉक के अंदर। तो मारुति सुजुकी में आज अगर आप देखेंगे तकरीबन 3.25% की तेजी रही है, 7415 का लास्ट एडिट प्राइस आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप डे हाई की बात करेंगे तो तकरीबन 7500 का है, एंड क्लोजिंग होते होते 7435 के ऊपर इसकी हुई है क्लोजिंग। ये डेटा है, 52 वीक हाई आप देखिए 8368 का है 18 नवंबर 2021 का, यानी कि पिछले महीने का। 52 वीक लो की बात करें तो 6400 का है 3rd of May 2021 का, जो इसी साल इसने दिखाया था। अब अगर हम बात करें आज की डिलीवरी पोजीशंस की, तो आपके सामने आ रही है 20% डिलीवरी परसेंटेज, जो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, एंड स्टॉक के अंदर क्लियरली चीज दिखाई दे रही है कि इंट्राडे हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। अब अगर देखिए चार्ट्स के ऊपर समझने की कोशिश करें, तो ये कुछ चार्ट यहां पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगातार पीक की फॉर्मेशन हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदर इस स्टॉक में, और वहां से स्टॉक नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे मिड ऑफ अक्टूबर से अपने नए 52 वीक हाई लगाने के बाद में बहुत ज्यादा शार्प डेक्लाइन इस स्टॉक ने दिखाया है, और एक बेस बनाया है यहां पर 7000 के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। इस गिरावट के बाद में एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब एक रेजिस्टेंस तो इसने क्रॉस कर लिया है, देखिए यहां पर आज, जो कि तकरीबन 7400 रुपीस के आसपास का था, ये था रेजिस्टेंस 1। अब मेजर रेजिस्टेंस जो है वो आ रहा है, देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा और आपको क्लियरली बता देता हूं, ये रेजिस्टेंस जो आएगा 7500 पर आएगा, जो इसको जिसको हम R2 कहेंगे एक्चुअली में। ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाता है तब इस स्टॉक के अंदर डेफिनेटली एक अपसाइड ओपन होती भी नजर आ जाएगी। तो अभी फिलहाल अगर आप ये कहें कि भाई इसके अंदर एग्जैक्टली अभी बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद अभी थोड़ा सा और रुकना चाहिए, क्योंकि यहां पर इसी लेवल के आसपास आकर ये कुछ दिन और यहां पर कंसोलिडेट हो सकता है। तो
वंस ये लेवल क्रॉस कर जाए डिसाइसिवली, तब डेफिनेटली इसके अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है, और उस कंडीशन में जो टारगेट्स होंगे वो देखिए बहुत इजीली आपके लिए 7900 तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो 7900 के टारगेट्स के लिए आपको थोड़ा सा रुकना है, और जब ये स्टॉक 7500 को क्रॉस कर जाए डिसाइसिवली, क्लोजिंग दिखा दे वन डे के चार्ट पर, तब यहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं। तो टारगेट वुड बी 7920 एंड आपको बाई करनी है 7500 से ऊपर, और उस कंडीशन में स्टॉप लॉस लगाना है इस नेक लाइन के नीचे, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है इस नेक लाइन के नीचे लगाना है। तो आपको एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 7350 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उस कंडीशन में, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका टारगेट होगा, और बाइंग कहीं होगी 7500 से लेके 7550 तक के आसपास की। ये सिचुएशन आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है, एंड उस कंडीशन में देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:2 का बहुत फेवरेबल कंडीशन में आप इसके अंदर कामकाज करते हुए दिखाई देगा। 200 रुपए का लॉस या फिर 400 रुपए का प्रॉफिट, ये बेस्ट स्ट्रेटजी मारुति के अंदर हो सकती है। लॉन्ग टर्म की बात करें मारुति सुजुकी पे मेरा कोई व्यू लॉन्ग टर्म का नहीं बनता, जिस तरीके से यहां पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बाजी बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो मारते हुए दिखाई देंगे ईवी सेक्टर के अंदर। और जब तक आपका ईवी सेक्टर सॉलिड नहीं है आज की तारीख में, तब तक आप लोग बहुत प्रोमिनेंटली मार्केट से सेल्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स के व्हीकल्स हैं वो आने वाले दिनों में बीते कल की बात हो जाएंगे। अगर आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है एंड आप अगर लेट करते हैं, जो कि बहुत बड़ी लेट हो रही है, 2025 यानी कि आज से भी 4 साल बाद की यहां पर बात हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा कंपनी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो होल एंड सोल टेक्निकल व्यू आपको बनाना चाहिए, मौका मिल रहा है पैसे कमाने का टेक्निकली, यहां पर पोजिशन बनाइए, जैसे ही प्रॉफिट होता है इन लेवल्स के आसपास अपने प्रॉफिट को बुक कीजिए एंड अगली ट्रेड देखिएगा अगले डेवलपमेंट के बाद में। फिलहाल अगर आप देखें आरएसआई जो है बहुत अच्छे लेवल्स पर 50 के आसपास है, और ये डायरेक्शन के हिसाब से लेवल के हिसाब से स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, 60 से ऊपर निकलेगा तो डेफिनेटली 7900 एंड प्लस के लेवल्स आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो इसीलिए जब तक आरएसआई का मूव इंटैक्ट है, इस डब्ल्यू पैटर्न की वैलिडिटी इंटैक्ट है, तब तक इसके अंदर एक बुलिश साइड में ट्रेड लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो आई होप ये सारे लेवल्स टारगेट्स स्टॉप लॉस एंड करंट मार्केट प्राइस से जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है वो आपको समझ में आया होगा, एंड इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको ये ट्रेड समझ में आ रही है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिना फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लिए बिना कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, अदरवाइज वो रिस्की हो सकता है। तो ओवरऑल ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।